नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी गाइडलाइन करते हैं और रजिस्ट्रेशन का काम करवाते हैं। जैसे आपको एनजीओ ओपन करना हो, ट्रस्ट ओपन करना हो, प्राइवेट लिमिटेड ओपन करना हो, अपना इंस्टीट्यूट खोलना हो ऑटोनोमस, या कॉलेज खोलना हो, बीएड कॉलेज खोलना हो, नर्सिंग कॉलेज खोलना हो, तो ऐसी चीज़ों पर हम लोग का गाइडलाइन रहता है। और अगर मान लीजिए पहले से कोई इंस्टीट्यूट चला रहा हो तो उसके लिए आपका 12A, 80G टैक्स फ्री करना, ये सारा एक्टिविटीज़ और गाइडलाइन हम लोग करते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है वेस्ट बंगाल से कि सर मुझे यूथ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर की फ्रेंचाइजी चाहिए। तो देखिए, इस पर पहले भी हमने एक वीडियोज़ बनाया था एक कटिंग के माध्यम से कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कैसे जो यूथ की है वो फ्रेंचाइजी देती है और क्या क्या उसका टर्म्स कंडीशन होता है, तो वो कटिंग के साथ ही हमने बताया था। मगर फिर भी ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो एक बार और भी बताने की कोशिश हम लोग करेंगे ताकि आपको जब यूथ का फ्रेंचाइजी लेना हो तो उससे पहले आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास क्या क्या तैयारी होनी चाहिए, अगर आप जान जाते हैं तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। सबसे पहले अगर आप यूथ का फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपका अपना कोई बिजनेस रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, चाहे तो वो ट्रेड लाइसेंस भी हो सकता है, चाहे वो पार्टनरशिप कंपनी भी हो सकता है, चाहे तो वो प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकता है, चाहे तो वो लिमिटेड भी हो सकता है, चाहे तो वो एनजीओ भी हो सकता है, ट्रस्ट या सोसाइटी, इसमें से कोई भी चीज़ आपका हो सकता है। कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट्स, उसका पैन कार्ड, अगर कंपनी है तो उसका जीएसटी, अगर सोसाइटी एनजीओ है तो उसका जीएसटी नहीं चाहिए होगा, ये सारा कुछ आपको चाहिए होगा। बैंक में आपका अकाउंट चाहिए होगा, करंट अकाउंट, और पैन कार्ड वगैरह भी चाहिए होगा, और आपका पर्सनल KYC यानी आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड, प्लस आपके पास जो रूम होना चाहिए कम से कम अगर 1500 स्क्वायर फीट का रूम है तो काफ़ी अच्छा है, और उसमें कितना कम से कम अगर 8-10 कंप्यूटर रखते हैं आपके लिए अच्छा है, कंप्यूटर प्लस उस पर जो सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट जो भी चलाने के लिए यूज़र के लिए वो सारी चीज़ें, और टीचर जो आपके वहाँ पे रह के पढ़ाएंगे, रह के मतलब कि पढ़ाई तो रह के नहीं होता है, मतलब आके जाके पढ़ाएं जैसे भी करें वो आपका पर्सनल मैटर है। अगर ये चीज़ें आपके पास हैं तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट आपको मौका देती है। अब इसका मौका जानने के लिए या चीज़ें जानने के लिए आप इसका हमेशा पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी आता है कि आप यूथ का फ्रेंचाइजी लीजिए या यूथ के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट आपका काम है पढ़ाना और गवर्नमेंट इसमें एग्ज़ाम भी लेगी और जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो गवर्नमेंट ही करेगी, यानी वेस्ट बंगाल यूथ डिपार्टमेंट ही उसको अपना सर्टिफिकेशन देगा, आपको कोई सर्टिफिकेट उसको नहीं देना है। आपका काम है पढ़ाना, पढ़ा के फीस लेना, गवर्नमेंट को फीस देना, क्योंकि मैक्सिमम पेड कोर्स ही इसमें चलता है, और उसके बाद गवर्नमेंट उसका एग्ज़ाम लेकर सर्टिफिकेट देगी। तो अगर ये सारा चीज़ है तो BVD बाग में इनका ऑफिस है, मैं ऑफिस का एड्रेस जो भी बंदा व्हाट्सअप करेगा या यूथ का वेबसाइट पर भी अगर आप जाइएगा, वेस्ट बंगाल यूथ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर मारिएगा तो आपका आ जाएगा उसमें वेबसाइट, और उसमें एड्रेस, ईमेल आईडी सारा कुछ दिया रहता है। अगर आपको नहीं मिलता है ये सारा कुछ या ढूंढने में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप पर्सनली व्हाट्सअप कीजिएगा, व्हाट्सअप पे हम लोग एड्रेस भेज देंगे, नाम भेज देंगे और ईमेल आईडी भेज देंगे, जहाँ पे आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं कि आपके एरिया में पिन कोड में अवेलेबल है कि नहीं है, या कोई पहले से होगा तो शायद नहीं देता है क्योंकि कुछ किलोमीटर का भी डिस्टेंस होता है, और अगर नहीं होगा तो आपको देगा। मगर ये सारा डॉक्यूमेंटेशन जो हमने बताया अगर आप तैयार करके जाते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप मान लीजिए पता चला गए और आपके पास पेपर वर्क नहीं है तो आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, अगर उतने में कोई दूसरा कोई आपके एरिया में एप्लीकेशन कर दे तो आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये तरीका है वेस्ट बंगाल यूथ का फ्रेंचाइजी का पाने का, इससे ज़्यादा कोई क्राइटेरिया नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि पर्सनली इस टॉपिक पे हम लोग उससे बात करें या गाइड करें कि हाँ प्रॉफिट है लॉस है, कैसे चलेगा नहीं चलेगा, क्या और सिस्टम लगा सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग पेड कंसल्टेंसी जो है प्रोवाइड करते हैं। आप हम लोगों को व्हाट्सअप करके अपना टाइम बुकिंग कर सकते हैं, जिसमें हम लोग 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक का टाइम देते हैं, जिसका अलग अलग फ़ीस होता है। आप लोग जो भी चाहें फीस दे के उसमें अपना स्लैब देख के बुकिंग करके जानकारी ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए अब भीड़ इतना बढ़ चुका है कि अब हर एक आदमी का फ़ोन का रिप्लाई देना मुश्किल है और चीज़ें मुश्किल हैं, क्योंकि इतना सारा कुछ रिप्लाई अगर सारा दिन देते रहेंगे तो हम लोग का भी काम होता है, अपना रिसर्च का काम होता है, पहले से जो हमारा कंपनी चल रहा है उसका काम होता है, तो थोड़ी चीज़ें असुविधा होती है। और पता चला कि आपने 10-20 लोगों को रिप्लाई दे दिया, उसमें से एक भी काम आपका नहीं हुआ, या ऐसे ही लोग हैं जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं बाकी उनको कोई काम नहीं करना है। तो हम भी चाहते हैं
कि जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छे यानी जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, पॉजिटिव लोग हैं, वो हम लोग के साथ जुड़ें और अपना काम स्टार्ट करें। ये नहीं कि आज सोच रहे हैं और फिर 2 साल बाद चालू करेंगे, तो फिर हमारा टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम लोगों ने पेड सर्विस काफ़ी दिनों से चला रखा है, लगभग 1 साल से ज़्यादा। अगर आप पेड सर्विस में इंटरेस्टेड हैं तो ही व्हाट्सएप पे आइएगा, नहीं तो मत आइएगा, क्योंकि लगभग हमने सारा जानकारी हम लोग यूट्यूब पे अपने चैनल पे दे देते हैं। तो इसके माध्यम से भी अगर आप समझदार हैं तो जाके अपना काम कर सकते हैं। अगर पर्सनल टाइम कंज्यूम कीजिएगा तो उसके लिए फी आपको देना ही पड़ेगा। आशा करता हूँ कि ये जो टॉपिक है यूथ कंप्यूटर फ्रेंचाइजी, इसका तरीका हमने बताया, आप फॉलो कीजिए और फॉलो करके अपना काम चालू कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।